नहीं, एक लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, मल्लिकार्जुन अच्छा, खड़गे, आपको उनकी लगता पार्टी में है, डेमोक्रेसी है। आपको लगता है, मुझे लगता है इस देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ करके इस परिवार ने कितने नेताओं के हाथ जोड़े हैं। ये कभी नहीं हुआ हमारे देश की राजनीति में कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना इतना बड़ा सर का दर्द है कि कोई बनना नहीं चाहता। गहलोत साहब स्वयं त्याग करके भाग लिया वापस राजस्थान। एक वक्त था जब लोग कहते थे इस पार्टी का अध्यक्ष होना मतलब बड़े सम्मान की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। सब जानते हैं कि कोई ना कोई कागज साइन करा लेंगे, फिर किसी ना किसी स्कैम में कहेंगे मोतीलाल वोरा जी की तरह, अहमद पटेल की तरह, वो दोषी हैं, गांधी खानदान बिल्कुल निष्पाप है। सब जानते हैं। अब खड़गे जी आपको खुश दिख रहे हैं क्या? आप देखिए उनको, पोस्टर एक तो बड़ी मुश्किल से फोटो चला है, हिमाचल का चुनाव समाप्त हुआ तब तक फोटो नहीं था। तो अध्यक्ष का कितना सम्मान है। अरे जो प्रधानमंत्री जब उनकी सरकार में थे ऑर्डिनेंस फाड़ के प्रधानमंत्री का अपमान कर सकते हैं, आपको लगता है कांग्रेस के अध्यक्ष का वो सम्मान करेंगे? सीताराम केसरी जी भूल गए आप? ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या हाल किया था उनका? पीवी नरसिम्हा राव भूल गए आप? क्या हाल किया था? और मैं बाकी सब छोड़ दी थी, इतिहास छोड़ देंगे। खड़गे जी आपको खुश दिख रहे हैं? अब ये तो पूछना पड़ेगा उनसे। दिख रहे हैं क्या? किसी को भी मुस्कुराती हुई कहीं दुखी थे? राहुल गांधी से स्मृति ईरानी कोई पर्सनल खुन्नस है या सिर्फ पॉलिटिकल फाइट? नहीं नहीं, मैं तो उसको भी भोग चुकी स्मृति ईरानी हूं, और हमेशा बराबरी में होती है भिड़ंत। मैं अपने देश को जानती हूं, पहचानती हूं। मुझे यह भी पता है कि आरती के वक्त अंग वस्त्र में अगर ओम उल्टा लिखा है तो उसे सीधा पहनना चाहिए। हर हर महादेव की जय घोष के लिए किसी को निष्कासित करो, ऐसा मैंने नहीं कहा। और बाकी सब छोड़ दीजिए, जब मैंने कहा ना भिड़ंत बराबरी में होनी चाहिए, मैं कहां किसी बड़े खानदान में जन्मी हूं, साधारण से लेडी हार्डिंग में जन्मी हूं। आर के पुरम में पहले 10 साल बिताए, गुड़गांव में थोड़े साल बिताए, बड़ी मेहनत तक पहुंची हूं। बड़ी मेहनत की है, मशक्कत की है, संगठन में समाज में बहुत काम किया है। उनकी तरह पैराशूट नहीं हुई हूं जेनेटिकली। जिन्होंने आपको कहा था हुई स्मृति ईरानी, अब वो भी भारत जोड़ो यात्रा में गई, उनके बच्चे भी, पूरा परिवार उनके पति। अगला मालिक कौन है उसका इंट्रोडक्शन तो कराना है। अगला मालिक कौन है उसका परिचय तो कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? तो रेहान में भी कांग्रेस पार्टी संभावना अभी से देखना मुझे नहीं पता, लेकिन अगली पीढ़ी दिखानी तो पड़ेगी। आप लोग जब गांधी परिवार को देखते हो, क्योंकि अटैक जाहिर तौर पर वहीं केंद्रित रहता है, कांग्रेस पार्टी उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती है। हाँ, अगर ताकत है सबसे बड़ी, लाओ ना, मैं दोबारा कह रही हूँ, प्लीज ताकत को लेके आओ यहाँ पे। हु कहू छू लाई ना, एक एक सीट पर उतारो, केटली ताकत से खबर पड़ी जैसे। जैसा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैं ये मजाक कभी कभी मैंने पढ़ा है, उसमें जिसमें ये कहा जाता है कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए प्रचार कर देते हैं कई बार अपने बोलने से, अपने कामों से, ऐसा तो नहीं कि उसको मिस कर रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है, मैं दोबारा कहती हूँ, एक विशाल संगठन, 20 करोड़ से ज्यादा लोग, समर्थक और कार्यकर्ता, संकल्प एक कि नव भारत का निर्माण करना है। उस संकल्प का परिणाम क्या कि आज हम विश्व की 5th largest इकोनॉमी बन गए हैं। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं, अब तो देख ही रहे हो देश की क्या अभिलाषा है, आज से 25 साल बाद अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करो तो आने वाली पीढ़ी को हम कुछ ऐसा दें कि अपने आप को वो एक सशक्त देश का हिस्सा माने। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आगे देखो, राष्ट्र को सशक्त करो, अगर आप मनमोहन सिंह जी का 2008 का एक वक्तव्य निकाल दे, उसमें मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि मैंने अपने कृत्य से, कांग्रेस पार्टी की सरकार के कृत्य से लगभग 1,40,000 करोड़ का कर्जा आने वाले समाज के लिए छोड़ दिया है। उस कर्जे में से 90,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने चुकाया है। तो आप दोनों नेताओं के बीच का फर्क देख रहे हैं,
एक कहते हैं कि आज हम ऐसा काम करें कि आने वाली पीढ़ी की सुविधा बढ़े, और दूसरे कांग्रेस के नेता कहते हैं जी आज इस खानदान की सुविधा के लिए पॉलिटिकली मैं आने वाली पीढ़ियों पर बोझ बढ़ा रहा हूं, और राष्ट्र में इसकी कभी चर्चा नहीं हुई। ऑयल बॉन्ड्स को प्रस्तुत करते हुए यही भाषण दिया था ना उन्होंने, किसी की कोई भौचक्का नहीं हुआ, क्योंकि जनता भी मान चली थी। तब सरकार चलाते थे एक परिवार की पॉलिटिकल सहूलियत के लिए, अब सरकार चलती है राष्ट्र के उत्थान के लिए। प्राइम मिनिस्टर पे जिस प्रकार का वो अटैक करते हैं, चाहे देश में या फिर विदेश में भी जाके, औकात दिखाने है वाले हैं, इशू बेस्ड होता है, ऐसा बोलते हैं ना जी। आ जाए बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पे आपको क्या फील? मैं वही तो कह रही हूँ, आ जाओ भैया, औकात दिखानी हम लोगों के, आप बड़े लोग हो, डरते तो हो नहीं, और आप बड़े लाडले हो गुजरातियों के, आओ ना, किसकी क्या औकात है पता चल जाएगा। लेकिन वो औकात शब्द का इस्तेमाल करना, आप समझते हैं कितना बड़ा पॉलिटिकल एरोगेंस है कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की शब्दावली का उल्लेख करना। और कांग्रेस के कितने नेता हैं जो धड़ल्ले से इस खानदान के साथ खड़े होकर कहते हैं इसको कटवा देंगे मोदी को, तब क्या करते हैं ये खानदान के लोग? ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुछ नहीं, और आप क्यों एक ही परिवार की बात करते हैं? झाड़ू वाले भी तो आए थे अभी आगे गाली देते हुए, पहले एक सवाल सामने पीसी से ले लेते हैं। और यहाँ जितने गुजराती बैठे हैं पूछना चाहती हूँ, आपने कोई नहीं बाने गाड़ो आप ही, हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो गाड़ो आप ही। आपने पहली बार ये हिंदी अनुवाद ये है कि भाई गुजरात में प्रतिद्वंदी कई रहे, यहाँ से वो वाघेला जी निकल रहे थे, बापू कहते हैं उनको, यहाँ पे मेरे राजनीतिक पक्ष के साथ अभी आंख से आंख नहीं मिला रहे, लेकिन उम्र में बड़े हैं। मुझे खड़गे जी मिलते हैं तो मैं उनको उनके नाम से नहीं बुलाती। आप पूछ लीजिए पार्लियामेंट में कितने लोग हैं जो कहते हैं राहुल जी, नाम से बुलाते हैं, हम नहीं करते, ये हमारा संस्कार है। तो आप अपने किसी दुमछल्ले से यहां पर बुलवा दें नरेंद्र मोदी जी की 100 वर्षीय मां के बारे में, वो महिला आज तक राजनीति का हिस्सा नहीं बनी भाई। अपने बेटे को टीवी पर है, अपने बेटे के पास जाती नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।